जय जय कर। लाने की कृपा करें।
मृत्यु के भय से निकाल कर अमृत आत्मा का जीवित अवस्था में ही देह रहते रहते ही अनुभव कराने की कृपा करें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित विराजित सभी धर्म प्रेमियों को निरंजन पुनः प्रणाम करके जितने समय आप बैठे शांत बैठे, इधर उधर देखने का अभ्यास छोड़ दें, परस्पर कोई बातें भी न करें। इस सत्य का अनुभव करने के लिए सत्य की कथाएं, सत्यनाम की कथाएं तो कई बार जीवन में सुनी होगी, पर ये जो कथा है ये आप प्रतिदिन एक विलक्षण अनुभव करेंगे। इस कथा में कोई पुरानी रिपीटेशन, पुरानी बातें दोहराई नहीं जाएगी। एक बात मैं पूछूं, बुरा ना लगे तो, 10 क्लास तक के जितने विद्यार्थी हैं, 10 क्लास तो किया ही है, ऐसे व्यक्ति हाथ उठा के बताएं जो 10 क्लास से तो ज्यादा कितने ही होंगे, पर 10 क्लास से कम नहीं, तो कितने लोग 10 क्लास तक के हैं? 10 क्लास तक तो है। कितने बीए एमए में हाथ उठा दे, बीए एमए है। शिक्षित लोग में देखना चाहता हूं ताकि इस सत्य को पकड़ सकें, ग्रहण कर सकें। यह रोज आपको समझाया जाएगा, फिर उसे पूछा जाएगा प्रश्न के रूप में, जैसे आज ही मैं प्रश्न पेपर लेकर आया हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ। हाथ जिन्होंने उठाए वे उत्तर तो जरूर देंगे, तो अब ये बताएं कि सत्य किसे कहते हैं, हाथ उठाकर बताएं। नए विद्यार्थी जो पहले क्लास कर चुके हैं और स्टूडेंट का मैं निवेदन करता हूँ, वो चुप शांत रहेंगे, वो बीच बीच में बोलने की चेष्टा, जो इसी बार आए हैं तो अब बताएं सत किसे कहते हैं। मैं परिभाषा कल लिखा चुका था, तो हाथ उठा के बताएं, बोलो भाई। ईश्वर की अनुभूति है सत्य, जिसका कभी ईश्वर की नाश ना हो उसे सत कहते हैं। तो फिर ये बताएं असत किसे कहते हैं, बोलो। इसका नाश होता है, जिसका नाश हो जाता है उसे मिथ्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिथ्या। असत आपको पहली बार मालूम पड़ेगा, क्या नोट करो, जो कहा तो जाए पर छूकर बताया ना जा सके, स्पर्श करके बताया ना जा सके, उसे असत कहते हैं। असत किसे कहेंगे? जो कहा तो जाए पर बताया न जा सके, छू करके ये असत है, ऐसे ये करके बताया तो ये क्या है वो पहचानो। आपका नाम, आपका नाम जो है, कोई एक नाम बोलो अपना, जरा छू कर बताओ वो कहाँ है। यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? पूरे हाथ में, पूरे शरीर में, पैर तक। जो ये नाम आप बताते हो, जाति बताते हो, ये नाम और जाति आपकी कहाँ है? जो आप कहते हो ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहाँ है ये उड़िया, कहाँ है ये बंगाली, कहाँ है मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी? ये सारा संसार इसी असत में चल रहा है, सारा संसार असत में ही झगड़ रहा है। सत्य वस्तु तो एक है परमात्मा, सत्य वस्तु तो केवल एक परमात्मा है। तो उस सत्य की चर्चा हम रोज रोज करेंगे। आज मैं प्रश्न बना के लाया हूँ। अच्छा, तो अब मिथ्या किसे कहेंगे? हाथ उठाओ। जन्म हो मर जाए, जिसका जन्म होकर
मर जाता है, जैसे ये तुम्हारा हमारा शरीर क्या है बोलो, मिथ्या है, जन्म लेकर मर जाता है। पर शरीर का नाम जाति असत है, शरीर का नाम जाति असत है, इसको किसी ने देखा नहीं, इसको कभी किसी ने छूकर बताया नहीं, कोई छूकर बता नहीं सकता, छू के तो बताओगे चमड़ा चमड़ा है, लेकिन जाति तुम नहीं कह सकोगे कि उड़िया बंगाली मारवाड़ी गुजराती, ये सब असत बातें हैं। तो दो बात सीखी, सत जिसका कभी नाश न हो, मिथ्या शरीर जिसका कि नाश होता है, और असत जो कहा तो जाए पर स्पर्श न किया जा सके, छूकर बताया न जा सके, जैसे नाम और जाति। अब बताइए जड़ किसे कहते हैं, जड़ और चेतन दो शब्द आते हैं उपनिषदों में, गीता में जड़ चेतन। तो जड़ किसे कहते हैं, जो अपने को बिना जाने और दूसरे को भी, उसे जड़ कहते हैं, और चेतन जो सबको जानता है और उसे कोई नहीं जानता, वो है तुम आत्मा। आत्मा चेतन तत्व है, शरीर जड़ तत्व है, तो इसको तो सब देखते हैं शरीर को, लेकिन आत्मा को कोई देखता नहीं। आत्मा सबको देखता है पर आत्मा को कोई नहीं देखता। एक और बात बता दूं आपको, आपको परीक्षा भी यहाँ होगी, रिटन पेपर आएगा, परीक्षा होगी पेपर, और आपका रिजल्ट खुलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, एक पैसा भी आपको खर्च करना नहीं पड़ेगा। और ये जो तत्व पा जाएंगे दुनिया में, संत भी होंगे तो आपको देखेंगे नीचे से ऊपर तक, कोई सच्चा संत ये ज्ञान कहाँ पाया, ये किसने तुमको बताया, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना नहीं था। तो ऐसे विषय चलेगा, एग्जामिनेशन होगा, आपकी मातृभाषा उड़िया में पेपर दे सकेंगे, हिंदी में पेपर दे सकेंगे, दो भाषाओं का वो पेपर होगा। तो अब हमको ये देखना है कि दृश्य किसे कहते हैं, उत्तर दें बोलो बैठे बैठे, जिसको हम देखते हैं, जो दिखाई पड़े, जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसे क्या कहते हैं, दृश्य, क्या कहेंगे दृश्य। और जिसने देखा, आपने ही तो देखा ना, ये सब देख रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, दृश्य का बाजार। लेकिन आप कौन हैं, आप दृश्य नहीं, आप दृष्टा हैं, आप कौन हैं, दृष्टा। और दृष्टा किसको कहते हैं, जो सबको देखता है, हु इज सीयर नॉट सीन, सीन तो दृश्य हो गया, जो दिखाई पड़ गया वो दृश्य है, लेकिन आप सीन नहीं, सीयर दृश्य नहीं, दृष्टा है। दृष्टा किसे कहते हैं, जो सबको देखता है। तो भाई आप जड़ शरीर हैं कि चेतन आत्मा, हम कौन हैं, चेतन आत्मा। तो जरा आत्मा के विलक्षण बता दो, तो कौन कौन से तुम्हारे अंदर हैं, शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से हिलता नहीं, और पवन से सूखता नहीं, कौन उसे क्या कहेंगे, आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं, जो चार लक्षणों वाला होता है, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं, और जो है पत्थर शस्त्र से कटता नहीं। तो आप आज से, हम तो सदा से, पर आज से अपने को आत्मा करके जानेंगे, देह करके, देह तो नष्ट होने वाला है, जलने वाला है, कटने वाला है, सूखने वाला है, भीगने वाला है, ये अनात्मा के चार लक्षण। अनात्मा किसे कहते हैं, जो शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए, पवन से सूख जाए। तो आप कौन हैं, आत्मा है कि अनात्मा है, आत्मा है। अगर आप शरीर होते
तो शहीद तो गांव वाले जला देते हैं मरने पर, लेकिन तुम दूसरे शहर में पैदा होकर आते हो। दूसरे शहर में कौन आता है जब ये तो जला दिया, राख बन गई, हड्डी फेंक दिया, फिर अगला शरीर तुमको कैसे मिलता है? जो इस शरीर में कर्म किए थे शुभ और अशुभ, उन कर्मों को लेकर जीवात्मा जाता है और दूसरे शरीर को लेकर आता है। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, तुम शरीर नहीं जीवात्मा हो। यही 84 लाख योनियों में भटकता है। ये 84 में भटकेगा कि यही जल जाएगा, इसको तो जला देंगे घर वाले, गांव वाले, समाज वाले। शरीर तो सबका नाशवान है, लेकिन जीव कभी मरता नहीं, जीव को अविनाशी कहा है। तो अब पूछा जाए, आप कब सोते हैं? रात को। कितने बजे ये बताते हैं, लेकिन सही वेद का सिद्धांत जान लो, आप अभी भी सो रहे हैं। रामायण कहती है, मोह निशा सब सोवनहारा, सब सोने वाले हैं, जागने वाला तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ये सोने वाला जागेगा, इस शिविर का चमत्कार होगा। और ऐसा जागेगा कि कभी सोएगा नहीं, आंखों से तो रोज सोते हैं और रोज जागते हैं, ये आत्मा की बात चलेगी। देह को मैं मानने वाला सब सो रहे हैं, मोह निशा सब सो अनहारा, देह को मैं मानने वाले और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये जो जानेगा बस वो कभी नहीं सोता है, वो सदा जागता रहता है। तो आप जीवात्मा सदा जागने वाले हैं, सोने वाला तो शरीर है, आप शरीर नहीं न सोते हैं। ए लड़की, इसको अलग करो, दूर इसको पीछे जाओ, जहाँ इसके माँ बाप है उठो, यहाँ से जहाँ इसके माँ बाप है ले जाओ उधर, कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चे लोग पीछे चले जाए, पीछे बैठ जाए, बच्चे की माँ बच्चे को लेके पीछे बैठे। तो बच्चे तुम लाइन से इधर आ जाओ, एक आगे आगे आ जाओ, इधर एक वहाँ एक यहाँ आगे, पुरुषों के आगे, हाँ आगे, तुम और इधर जाओ, और हाँ बस। तो आप सदा से सो रहे हैं, ज्ञान पाएंगे तब आप जागेंगे, बिना ज्ञान पाए कोई जागता नहीं। एही जग जागही जामिनी जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। रामायण में आया है, कौन जागता है? इस देह से अलग जो चेतन आत्मा है उसको मैं करके जानता है। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि सोहम, इस तरह का विचार जगेगा। तो दादा बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ था? 1991। मैं कभी जन्मा, मैं सदा से आत्मा का कभी जन्म, देह का जन्म है। किसका जन्म है? देह का। किसकी मृत्यु है? देह की। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु भी नहीं। कस्त्वम दृष्टा साक्षी, ये अपना रोज मैंने कहा, चलते चलते, खाते खाते, सोते सोते, व्यवहार करते, मन में ये धारा बनी रहनी चाहिए कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये नाम रूप वाला संसार के काम का है, ये शरीर स्त्री या पुरुष ये संसार के उपयोग में है नाम रूप। मेरा ना नाम है न मेरी कोई रूप है। तो ये बताओ देवियों, तुम दृश्य हो कि दृष्टा हो? बोलो, दिखने वाले हो कि देखने वाले? कौन हो? हम देखने वाले हैं। हम कौन हैं? सड़क से यहाँ तक आए, देखते देखते आए,
देखते देखते यहाँ से घर जाएंगे तो हम दिखने वाले नहीं, हम देखने वाले, हम दृष्टा हैं कि दृश्य हैं? हम दृष्टा हैं, हम दृश्य, दृश्य कौन है? दृश्य हमारा शरीर है और इस शरीर को देखने वाले हम दृष्टा हैं। कल भी कहा, पहले दिन भी, आज फिर कहता हूँ, जो लोग नोट करना चाहते हैं पांच मुख्य मुख्य परिभाषा, कॉपी में नोट करें, कॉपी नहीं लाए हैं तो यहाँ हाथ उठाकर दिखा दें, वो आपको कॉपी दे देंगे, पेन भी दे देंगे, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये रोज बहुत गहरी बातें आपको मिलेगी जो कभी रामायण में, कभी भागवत में, कभी उपनिषदों में से निकाल पाएंगे। कोई है जिसको लिखने का, उसको लिख देंगे। तो तुम देह हो कि देह के दृष्टा? बोलो, हम देह के दृष्टा हैं। देह तो दृश्य है, देह तो दृश्य है, वो किसी को देख नहीं सकता, पर हम सबको देखते हैं, इसलिए हम दृष्टा हैं। अब पूछे, आप जड़ हो कि चेतन हो? चेतन है। हम चेतन है, जड़ तो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, काम कर नहीं सकता, तो हम जड़ नहीं, हम कौन है? चेतन है। और दृश्य नहीं दृष्टा है, दृश्य नहीं दृष्टा है, अनात्मा नहीं आत्मा है, अनात्मा तो शरीर है, हम तो शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो मैं के साथ आप किन किन वस्तुओं में राह लगा सकते हैं, जरा बोलो तो। मैं के साथ तीन बातें आपको कल बताई, रा, री और रे, ये तीन नरक के द्वार है, ये तीन सबको नरक ले जा रहे हैं। कौन कौन? रा, री और रे। ये इतनी बुरी बात है कि कितने विद्वान पढ़े होंगे कहीं तुम्हारे नगर में, उनसे पूछोगे उनको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या, लेकिन आपका बच्चा बच्चा समझेगा। रा, मैं को किसने जोड़ा? मेरा मकान, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा और आगे कुत्ता, मेरा दांत, मेरा कान, मेरा, ये रा जिन जिन के साथ जुड़ा वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं। मैं नाखून बोलो हूँ, नाखून को काट के फेंक दिया जाता है, मैं दांत हूँ, दांत को भी निकाल कर फेंक दिया जाता है, बालों को भी काट। तो जिन जिन के साथ मैं को जोड़ा है उससे तुम्हें मुक्ति लेना है बस, और कोई ना मंत्र करना है, ना माला करना है, ना जप करना है, ना ध्यान करना है, ना धीरज जाना है, ना कुछ और पाखंड करना है, बस जिस जिसके साथ तुमने मैं को बांध दिया है उससे मैं को अलग कर लो। तुम्हारा तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो चेतन हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम्हें कोई बंधन नहीं, बंधन तुमने बांधा है राग को जोड़ जोड़ कर, राग से जोड़ कर। तो कितने लोग ऐसा राग को जोड़ कर बता सकते हैं, जैसे मेरा कुत्ता, मेरा गधा, मेरा घोड़ा, मेरा बेटा, मेरा नौकर, मेरा शरीर के अंदर। तो जिस जिसमें रा करके जुड़ा है यही फांसी का फंदा है, यही तुम्हें 84 में घुमाएगा, और तुम अगर ये निकाल दोगे तो कोई तुम्हें 84 में डाल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं कोई दुनिया में जो तुम्हें संसार बंधन में डाले। तुमने खुद ने अपने को इस तरह बांध कर, इससे बांध कर, इसने रा मेरा 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 तुमने बांधा है, तुमने अगर किसी में मेरा नहीं जुड़ोगे तो कौन करेगा? अच्छा, अब दूसरा, जिस जिसने मैं को री से बांधा है, मैं को री से बांधा है, जरा दो चार नाम बताए।
मेरी चप्पल, मेरी पत्नी, मेरी और इसी तरह बोलो, मेरे को तो कम आता है संसार के नाम बोलना, आपको पता है मेरी मेरी दिन को दिन भर जीवन भर करते हैं, मेरी टोपी, मेरी धोती, मेरी साड़ी, मेरी पगड़ी, मेरी कुर्ती, ये सब मेरी मेरी है, इनमें मेरा पना निकाल दोगे तो मैं मुक्त है। लड़के क्या करता है, क्यों पकड़ रहा है इसको, कान में डालेगा, अरे इसको क्यों पकड़ा है, क्यों पीछे है, चुप बैठे हो, हाथ बांध करके, हाथ बांधो, ऐसे हाथ बांधो, ऐसे बैठो और ढूंढना नहीं। तो मेरी मेरी का मन से अहंकार निकाल दो। अच्छा, तो जो मेरा होता है क्या वह मैं हो सकता हूँ, बोलो, मेरा कुत्ता तो क्या मैं कुत्ता हो सकता हूँ, हटा लो, मेरा मकान तो क्या मैं मकान हो सकता हूँ, तो जो जो मेरा होता है वो मैं कभी नहीं होता, मैं सदा राह से अलग होता हूँ, मेरा से, तो जो जो मेरी है क्या वह मैं हो सकता हूँ, नहीं, मेरी से मैं सदा, मेरी धोती मैं धोती थोड़ी, मेरी साड़ी तो मैं साड़ी नहीं, मैं साड़ी से अलग हूँ, मेरी चप्पल तो मैं चप्पल हूँ कि चप्पल से अलग हूँ, ये बीच में से कुर्सी हटा लो, माताओं को आने दो आगे, तो बाद में आई है, को बिठा दो, लाइन से बिठाओ, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आया, सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है, बोलो, ये मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनिया, उनका क्रम भी बता सकते हो, 9 लाख जल में रहने वाले, 10 लाख आकाश में रहने वाले, 11 लाख जमीन के अंदर रहने वाले, और फिर आपके 20 लाख स्थावर योनिया, 30 लाख चार टांग से चलने वाले, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनिया, इस तरह ये 84 लाख योनियों का चक्र काटते काटते आए हैं, ये ठेड़ी मेड़ी कैसी लाइन बनी है बीच में, घुमाओ लेकर घनश्याम का साक्षी आत्मा, कितने लोग नोट कर रहे हैं जरा हाथ उठा के बताना, धन्यवाद धन्यवाद, ये मनुष्य जीवन सफल करेंगे, ये मनुष्य जीवन सफल करने का लक्षण है, भले ही मैं बीए डिग्री ले ली, तुम इंजीनियर डॉक्टर बन गए, लेकिन अगर ये नहीं किया तो पशु के बराबर हो, मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहता है ज्ञाने नहीना पशु भी समाना, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, जिनको ये ज्ञान नहीं वो पशु के समान कहे जाते हैं, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन पशु करते हैं कि नहीं, पशु आहार करते हैं कि नहीं, मनुष्य भी आहार करता है, दोनों बराबर, पशु निद्रा करता है कि नहीं, मनुष्य भी निद्रा करता है, दोनों बराबर, पशु भयभीत है कि नहीं, मनुष्य भी भयभीत है, दोनों बराबर, पशु जो है अपना जीवन का मृत्यु देखता है, मनुष्य भी जीवन की मृत्यु देखता है, आहार निद्रा भय मैथुन बच्चे पैदा करना, पशु बच्चे पैदा करना है, मनुष्य को आता भी नहीं आता, वो बहुत होशियार है, इसलिए आहार निद्रा भय और मैथुन इन चार काम से मनुष्य पशु बराबर है, लेकिन ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेष हो, ये अधिक है, विशेष है मनुष्य जीवन में ज्ञान करना, और ज्ञाना देव तुम केवल्यम, वेद कहता है ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार से आज हम जगन्नाथ तत्व को परमात्मा तत्व को
समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण का विषय है। परमात्मा कैसा है, वो सब जगह समान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, इस तरह से समान है। तो देखेंगे परमात्मा की समानता बता रहा हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध कोई भी होनी क्यों ना हो, सब में वो समान रहता है, चेयर पे बैठो या नीचे बैठो। देखो इधर परमात्मा जो परमात्मा यहाँ है वही परमात्मा देखो इधर हो, यहाँ है जो परमात्मा यहाँ है वही परमात्मा यहाँ पर है। जो परमात्मा यहाँ है वही परमात्मा आपको यहाँ मिलेगा। जो परमात्मा यहाँ है वही परमात्मा तुम्हारा यहाँ पर मिलेगा। परमात्मा कैसा है ये समझा रहा हूँ प्रत्यक्ष, जो यहाँ है वही परमात्मा यहाँ पर होगा। जो यहाँ है वही जो यहाँ है वही परमात्मा यहाँ होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो कीट पतंग में जो परमात्मा है, पशु पक्षी में जो परमात्मा है, वह परमात्मा जो है तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है वही देवी देवताओं के अंदर, वही सबके अंदर है। परमात्मा को हम सब देश में समान देखेंगे, जैसे अभी वो स्थान चारों ग्लास छोटे बड़े 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 सब में एक समान सत्ता दूध की थी, इसी तरह परमात्मा सत्ता सब में, मनुष्य में, पशु में, देवताओं में, यक्ष किन्नर में, सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो कहीं कम ज्यादा नहीं। तो जो परमात्मा तुम्हारे यहाँ पर है तुम्हारे अंदर, वो परमात्मा इस शरीर के अंदर भी मिलेगा। अभी आप जो यहाँ बैठे हैं, इस स्थान को कौन सा स्थान बताते हैं, पंचायत ऑफिस, ठीक है ना, ये पंचायत ऑफिस है। अब यहाँ से थोड़ा उठ के बाहर जाएंगे और कोई पूछेगा आप कहां से आए हो, तो आप क्या कहोगे कि हम आए हैं पलई गांव से। कौन सा गांव से, ठीक है ना, क्योंकि तो मैं नया हूं, मुझे पता नहीं सब नाम। और जब आगे जाओगे तो पूछेंगे भाई कहां से आए हो, तब तो तुम कह लोगे मैं आया हूं डेराविस से। और डेराविस से आगे बढ़ोगे तो फिर पूछे कोई कहां से आए हो, केंद्रापाड़ा से। केंद्रापाड़ा वाला फिर आगे कोई पूछे कहां से आए हो तो ओडिशा से। ओडिशा वाले से पूछे तुम कहां से आए हो, तो वो कहेगा मैं भारत से आया हूँ। भारत वाला पूछेगा कहां से आए हो, तो एशिया से आया। और एशिया वाला कहां से, संसार से।
तो समझना इस बात को, तुम बैठे तो यहाँ हो लेकिन तुम्हारा अहंकार एकता कहाँ तक जुड़ी है, विश्व के साथ में, तुम विश्व से अलग नहीं हो, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इससे कोई भी है, इसी को वर्ल्ड ग्लोब कहते हैं, ये संसार का सार रूप में बता दिया, इससे कोई देश विदेश कोई प्रांत कोई जिला कोई नगर कोई गांव अलग है, सब इसके अंदर सीमित है, तो ये सारा वर्ल्ड का यह एक प्रतीक है। तो इसी प्रकार तुम जहाँ रहते हो तुम संसार में ही हो, संसार से अलग नहीं हो, ये जहाँ बैठे हो तो चाहे उसको तुम कहो कि हम पंचायत ऑफिस में हैं या पले गांव में हैं या मैं इसके आगे देहरादून में केंद्रापाड़ा में ओडिशा में भारत में एशिया और ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड का व्यक्ति इस पंचायत से अलग नहीं है, जो पंचायत में बैठा है वही जाते जाते वहाँ का अहंकार करेगा विश्व का, वहां से उतरते समय पूछेंगे कहाँ से आए हो, तो संसार से, एशिया में आकर पूछेगा कोई कहाँ से आए हो तो संसार से, एशिया से भारत में आ जाओगे और पूछे तुम कहाँ से आए हो तो फिर कहोगे एशिया से, भारत में आकर और कोई पूछेगा कहाँ से आए हो तो फिर आप कम कम से फिर उड़ीसा में, उड़ीसा से फिर इधर केंद्रापाड़ा में, केंद्रापाड़ा से फिर इधर पलई गांव में, ऐसे अपने को संसार से एक समझना है, हम संसार से एक है, ये हमारा स्थान पलई से अलग है, हम जहाँ बैठे हैं पंचायत ऑफिस में पलई गांव ये उससे अलग है नहीं, फिर ये है देहरादून अलग है, केंद्रापाड़ा से अलग है नहीं, केंद्रापाड़ा उड़ीसा से अलग है नहीं, उड़ीसा भारत से अलग है नहीं, भारत एशिया से अलग है नहीं, एशिया ब्रह्मांड से अलग नहीं, सब एक से एक जुड़े हुए हैं, तो विचारना है कि हम सब एक परमात्मा से मिले हुए हैं। अब हम सब लोगों को शास्त्र में अंधा कहा है, अंधा तो इसको समझेंगे, एक गांव में हाथी आया, क्या आया, बच्चों ने शोर किया है हाथी है हाथी है, तो एक अंधों का आश्रम था उस गांव में, तो अंधों ने पूछा भाई ये शोर क्यों हो रहा है, आपका शुभ नाम क्या है, शरदा, 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 यही सब क्या पास में आके बोलो, शरदा, शरदा, धन्यवाद। अरे शारदा बाबू ये बच्चे शोर क्यों करते हैं, तो शारदा बाबू ने कहा सूरदास जी गांव में हाथी कभी कभी आता है, बच्चे शोर कर रहे हैं, अच्छा हमने भी नहीं देखा, शारदा बाबू हमको भी दिखा दो, तो सज्जन आदमी दयालु आदमी, उन्होंने पांचों अंधों को वहां से हाथ पकड़ कर लिया और जहां हाथी था लाकर खड़ा कर दिया कि सूरदास जी हाथी को अच्छे से देख लो, ये कभी कभी आता है गांव में फिर नहीं जाएगा, तो उन पांचों ने पकड़ लिया हाथी को देख रहे हैं, शारदा बाबू ने कहा मैं खड़ा हूँ तुम्हें वापस वहां आश्रम में छोड़ दूंगा अच्छे से देख लो, तो उन्होंने एक ने देखा ओहो आज मैंने हाथी जाएगा, हाथी होता है अजगर सांप, अजगर सांप, क्या किसी ने कहा नहीं लौकी है लौकी लंबी
जिसको तुम आलतू बुरी भी कहते हो। अरे दूसरा अंधा कहते, अरे तू क्या हाथी देखेगा, हाथी में देख रहा हूँ, हाथी होता है खंबा, खंबा है, अंधा पकड़ के देखता है। शारदा बाबू की कृपा से मैंने आज हाथी जाना कि हाथी खंबा है। तीसरा कहता, अरे तुम दोनों अंधे हो, हाथी तो सूप होता है, सुपरा जिससे माताएं उड़ाती है। तीसरा कहता, तुम तीनों अंधे हो, हाथी होता है दीवार कांखी। चौथा कहता, अरे तुम चारों अंधे हो, हाथी होता लांग रस्सी। अब ये शारदा बाबू ने जो पांचों अंधों को बताया, हाँ, ये हाथी जान पाए? नहीं। बोलो नहीं। वो शारदा बाबू भी कहता, मैं कितना बुद्ध हूँ, इन अंधों को हाथी दिखाने लाया। अरे हाथी तो आंख वाला दिखेगा थे अंधा। बोलो आंख वाला। ये तुम्हारे गांव में आते हैं कथा करने वाले, कोई मुर्गी वाला बताता है, कोई धनुष वाला बताता है, कोई त्रिशूल वाला बताता है, कोई चार भुजा वाला बताता है, तो कोई योग तरह से बताता है ये सब। लेकिन सचमुच में जब जानोगे कि परमात्मा कैसा है, वह तो निराकार है, वो साकार रूप परमात्मा का नहीं है, निराकार है परमात्मा। परमात्मा साकार है कब और निराकार है कब, इसको समझेंगे अभी। तो आप जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, धर्म छूट जाता है, साधु पुरुषों को लोग सताते हैं, तब तब वो जो निराकार परमात्मा है, निर्गुण निराकार परमात्मा, वो ही फिर क्या करता है, अपना साकार रूप लेकर इधर आता है। ये जो रूप आया, ये तुम्हारे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, दुष्ट लोग सताने लगे, साधु पुरुषों को सताने लगे, तब प्रार्थना की, हे प्रभु, हे नारायण, बचाओ बचाओ, हमें ये पापी लोग सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तब फिर वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा, ये जो निर्गुण निराकार, देख अच्छे से देख लेना, ये निर्गुण निराकार, ये ही ने फिर विचार किया कि पृथ्वी पर आकर जब जब होई धर्म की हानि, बारे असुर और अभिमानी, यदा धर्मस्य ग्लानिं भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं स्यात्मनम्, ऐसा गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मैं कब ऐसा होता हूं, उसको बता रहे, सुन लो गीता के द्वारा। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को, तब मैं अपने आप को रचता हूँ, रचता हूँ यानी बनाता हूँ। आगे देखो, ये कहते हैं, ये भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो ये जन्माष्टमी को जो पैदा हुआ, ये असली रूप नहीं है, जगन्नाथ का असली रूप तो ये है, रूप रेखना ही शून्य देही। पर जब धर्म छुपता है, पाप बढ़ता है,
तब ये साकार रूप को भगवान धारण करके आता है और फिर कब तक यहाँ रहता है, जब तक धर्म अच्छी तरह फैला नहीं है। जब धर्म फैल जाता है, पाप शून्य हो जाता है, तब वापस ये इसी रूप में आ जाते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करके करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान का युग युग में प्रकट होता है, इस प्रकार भगवान पृथ्वी पर आते हैं। तो आप समझ लो कि ये रूप जो है असली रूप है परमात्मा का, जगन्नाथ। कैसा रूप है? रूप रेख, रूप रेख कुछ दिखाई नहीं पड़ता अंग प्रत्यंग, ना हाथ है जगन्नाथ महाप्रभु के, विचारो दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, दोनों आंख भी नहीं है, दोनों कान भी नहीं है, दोनों नाक भी नहीं है, मुख भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, जन्म भी नहीं है। राम का जन्म है, कृष्ण का जन्म है और ब्रह्मा विष्णु का सत्ता है, लेकिन जगन्नाथ का जन्म नहीं। राम कृष्ण के पिता माता भाई बंधु पति पत्नी है, लेकिन जगन्नाथ का भाई बंधु पति पत्नी भी नहीं। जगन्नाथ अद्वितीय तत्व है, एक तत्व है, वहाँ दो नहीं है। इनके मित्र शत्रु हैं और जगन्नाथ का कोई पृथ्वी में मित्र शत्रु, मुसलमान भी इसका विरोध नहीं कर सकते, सिख ईसाई भी विरोध नहीं। ये सारे जगत का जगत नाथ जगन्नाथ, उड़ीसा रे नाथ जगन्नाथ नु है, पुरी रे नाथ जगन्नाथ नु है, जगत रे नाथ जगन्नाथ सारे जगत का मालिक है, नाथ है। इसलिए जगन्नाथ तत्व को समझे कि कैसे हुआ। तो आपका हमारा जो परमात्मा है, ये इनको जो मानते पूछते हैं, ये कब तक है? जब तक इनका शरीर है। शरीर नष्ट हो गया, अब इनका कोई महत्व नहीं रहा। महत्व जगन्नाथ का कभी घटता सदा रहता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह निर्गुण निराकार है। अब विचार करेंगे परमात्मा ये भी परमात्मा का रूप है, इनके भी अंग नहीं है, जिनको हम शिव कहते हैं, अभी इनके हाथ पैर अंग नहीं है। जैसे जगन्नाथ है, ऐसे ही शिव भगवान भी निर्गुण निराकार है, सगुण साकार नहीं। तो अब सगुण साकार के दर्शन से कल्याण अगर होता तो ये अर्जुन जो है यह सामने ही खड़ा था। अर्जुन भगवान के सामने है, सोचो सब लोग बुद्धि लगाओ कि भगवान तो सामने खड़ा है और अर्जुन हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है क्या कि मेरे को मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, मैं अखंड आनंद को कैसे प्राप्त हो सकूंगा। तो ये भगवान के दर्शन से कल्याण होता तो अर्जुन को भगवान बताते नहीं, क्या बताते हैं कि जब जब धर्म छुपता है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ, लेकिन मेरा असली रूप तो निर्गुण निराकार है और वो तेरे ही अंदर मैं आत्मा रूप से विद्यमान हूँ।
अगर ये सही रूप होता असली तो अर्जुन प्रार्थना क्यों करता हो तो देख ही रहा है, अर्जुन को दिख भी रहा है, पर अर्जुन इसको परमात्मा नहीं कहते हैं। परमात्मा का वास्तविक दर्शन कराना चाहता है कि मेरे को आप अपने असली रूप के दर्शन कराइए। तो भगवान इसको असली रूप का दर्शन किस रूप में कराते हैं, अपने अंदर आत्मा रूप से, तेरे अंदर में आत्मा रूप से विद्यमान हूँ, इस प्रकार से उसको वह समझाते हैं। और इसी प्रकार को इधर देखेंगे, ट्रेन और पटरी के द्वारा परमात्मा क्या है, निर्गुण निराकार है, किस तरह ट्रेन की पटरी की तरह है, और ये जीव जो है वह है ट्रेन की तरह। तो जीव रूपी ट्रेन किसके सहारे चल रही है, बोलो, पटरी के सहारे। बिना पटरी के ट्रेन की गति नहीं हो सकती थी। तो ये ट्रेन चल रही है, तो इस तरह से विचारना है कि पटरी में और ट्रेन में कितनी दूरी है। पटरी और ट्रेन में बोलो दूरी है, है? पटरी और ट्रेन में दूरी है क्या? तो पटरी के सहारे ट्रेन चल रही है, तो ऐसे ही परमात्मा पटरी है और जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। परमात्मा पटरी की तरह है, जैसे ये ट्रेन पटरी पर चलती है, तैसे ही ये जीवात्मा परमात्मा के सहारे। तो जीव परमात्मा के साथ है कि अलग है, बोलो? अगर अलग होगा तो वो ट्रेन नहीं चलेगी पटरी से। ऐसे ही अगर परमात्मा अलग होगा तो ये जीव 84 लाख योनियों में भी नहीं घूम सकेगा। इसलिए परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। इसे दृष्टांत से समझो, श्रद्धा, भागो रे भागो, दुनिया पलट रही है, सुनो ध्यान से, इससे लोग भाग रहे हैं। एक बार एक खरगोश अपने बिल में सो रहा था, तब उसको एक जोर से आवाज आई। अब छोड़ दो ये काम। एक बार एक खरगोश अपने बिल में सो रहा था, जब उसको जोर से एक आवाज आई धड़ से, तब वो चौंक के उठ गया और वो भागने लगा। उसने सोचा कि अरे अरे, इतने जोर से आवाज हो रही है, मतलब दुनिया पलट रही होगी, और वो भागने लगा। रास्ते में जो भी जानवर दिखे उन सबसे उसने कहा कि अरे भागो भागो, दुनिया पलट रही। तब सभी जानवर उससे प्रभावित होकर भागने लगे। भागते भागते जब पूरा जंगल शेर के गुफा के सामने पहुंचा, तो शेर का भी नींद खुल गया इतने जोर से आवाज होने के कारण। सभी जंगल के पशु भाग रहे थे, तो शेर बाहर आके देखा कि सारे जानवर भाग रहे हैं। उसने कुछ जानवरों से पूछा, अरे अरे रुको, तुम भाग क्यों रहे हो? तब जानवरों ने कहा कि अरे महाराज, आप भी भागो, दुनिया पलट रही है। तब शेर ने कहा, तुम्हें किसने कहा दुनिया पलट रही है? तब जानवरों ने उत्तर दिया कि अरे महाराज, हमसे पहले जो भाग रहे थे उन्होंने कहा दुनिया पलट रही है। तब उनसे जाकर पूछा शेर ने कि तुम्हें किसने कहा दुनिया पलट रही है? तब उन जानवरों ने उत्तर दिया, हमसे पहले जो भाग रहे हैं उन्होंने कहा कि दुनिया पलट रही है। ऐसे पूछते पूछते वो शेर खरगोश के पास जाकर पहुंचा। उसने खरगोश को पूछा कि अरे तुम्हें किसने कहा कि दुनिया पलट रही है? उस खरगोश ने कहा कि अरे महाराज, मैं तो अपने बिल में सो रहा था, तब एकदम धड़ से जोर से आवाज आई
इसका मतलब यही हो सकता है कि दुनिया पलट रही है। तब शेर ने कहा, अच्छा चलो देखते हैं क्यों आवाज आई। तब पता चला कि उस खरगोश के बिल के ऊपर जो कैट का पेड़ था उससे कैट जोर से गिरा था उसके बिल के आगे। इसी तरह जो साधु ये समझना आप इस कहानी का अर्थ। इसी तरह जो साधु महात्मा कहते हैं कि अरे भव सागर से पार होना बहुत मुश्किल है, जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हें किसने कहा कि भव सागर से पार होना बड़ा कठिन है, तब वो बोलते हैं कि हमारे गुरु ने हमें कहा था कि भव सागर से पार होना बड़ा कठिन है। जब उनके गुरुओं से पूछा जाए तुम्हें किसने कहा कि भव सागर से पार होना बड़ा कठिन है, तब वो भी यही उत्तर देते हैं कि हमारे गुरुओं ने कहा था। जब तक कोई सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता है तब तक वो यही कहता है कि भव सागर से पार होना बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन है और बड़े बड़े कठिन साधन बता देते हैं, इतने माला करो, इतना यज्ञ करो, इतना पूजा पाठ करो, इतना ध्यान करो। अरे परमात्मा तो तुम्हारे हृदय मंदिर में बैठा है, उसको कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां। हनुमान जी ने छाती चीर कर दिखाया कि परमात्मा सत्य हृदय मंदिर में बैठा हुआ है, और वो छाती चीर कर दिखाया कि राम उमा सब अंतर्यामी। तो परमात्मा को पाने के लिए तुम पागलों की तरह भीड़ के भीड़, कभी इस तीर्थ में, कभी उस तीर्थ में, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस जगह, कभी उस जगह भाग रहे हो। लेकिन याद रखो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा है। उसकी वजह से ही तुम उठ पाते हो बिस्तर पर, उसकी वजह से ही तुम सो पाते हो। एक गांव के अंदर गुरु शिष्य जा रहे थे तो बहुत भीड़ थी उस मैदान में। तो पूछा गुरु ने शिष्य से कि ये भीड़ क्यों है। बोले महाराज यहाँ एक असली खेल दिखाया जा रहा है। बोले असली खेल? हाँ, एक आदमी जो है वो शेर, कुत्ता, गधा, घोड़ा सबकी आवाज निकाल रहा है। टिकट बंद हो गए, भीड़ इतनी ज्यादा। तो गुरु ने कहा तुम ये बोर्ड लगाओ, कल हमारे गुरु जी असली खेल दिखाएंगे और वो भी मुफ्त में होगा। टेंट लगवाया गया और सब अरेंजमेंट किया, लोग आने लगे। और गुरु जी ने क्या किया, एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक बकरी, एक जो है तोता, एक सबको इकट्ठा किए जिंदों को, और उनकी आवाज निकाल निकाल कर उन्हीं से कुत्ता भौंकने लगा, बकरी निन्याने लगी, घोड़ा निन्याने लगा, शेर गरजने लगा। लोग अरे ये क्या खेल है, खेल वो देखो जो आदमी होकर और कुत्ता और गधा और घोड़े की आवाज करता है। तो भीड़ सब उधर चली गई टिकट लेकर, और ये बिना टिकट के असली आवाज दिखा रहा, किसी ने पसंद नहीं किया। तो अर्जुन दुनिया ऐसी है, सत्य को स्वीकार नहीं करती है, ये असत्य में श्रद्धा करती है। तो नकली खेल दिखाने में श्रद्धा किया और असली खेल को कोई देखना नहीं चाहा। तो परमात्मा वो सत्य वस्तु तुम्हारे हृदय में है, तुम्हें उसके लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर नहीं जाना पड़ा, एक जगह ही वो विद्यमान होता है। जैसे कि लोग जाते हैं मक्का मदीना, वहां परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, लेकिन विचारो मक्का मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, तुम कैसे जाते हो? परमात्मा अगर वहां बैठा होता तो तुम इतनी दूर की यात्रा भी कैसे कर पाते, तुम्हारे पैर भी कैसे उठ पाते हैं, तुम्हारा हाथ भी कैसे काम करता है, तुम्हारी आंख भी कैसे देखती है, तुम्हारे कान भी कैसे सुनते हैं, तुम्हारे सारे कर्म जो भी बचपन से मृत्यु तक घर में बाहर जो भी चल रहे हैं, किसके सहारे ये हाथ उठता है, किसके सहारे ये वाणी
खुलती है, इसके सहारे वो आंख देखती है, नाक सुनती है, पैर चलते हैं, तो वो चेतन परमात्मा ही वस्तु है जो तुम स्वयं हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, पर तुमने इस चमड़े के शरीर को अपना रूप मान लिया और परमात्मा को कुछ भयानक भयावह रूप जानकर उस पर बैठ गए कि वो तो दिखता नहीं और ये ही है परमात्मा का शरीर। तो ये देह जो है ये विकारी शरीर है, तुम नहीं हो, तुम इससे भिन्न चैतन्य आत्मा हो, ऐसा अपने अंदर निश्चय करो। और ये संसार के अंदर जो दिखाई पड़ता है नाना प्रकार का, इनके अंदर उस सत्य परमात्मा को न देखो। यहाँ पर आप देखते हैं उस जीवन के अंदर क्या है, निकाल कर दिखाओ, इसके अंदर तुम्हारे अंदर क्या है इसको बताने जा रहे हैं, निकालो। तुम सब जितने बैठे हो, तुम्हारे अंदर एक डब्बा है जिसको तुम भोजन कहते हो, वो भोजन खाकर उस डब्बे में जाता है, वो डब्बा का फिर सुबह जाकर खाली करते हो। तो ये बताने जा रहे हैं कि सब एक जात के हैं, कोई जहाँ जात का फर्क नहीं। ब्राह्मण में भी मल बनता है, क्षत्रिय में भी मल बनता है, वैश्य में भी मल बनता है, शूद्र में मल बनता है, मल के बिना कोई जीवन नहीं है, इसलिए सबकी एक जात है। लेकिन ब्राह्मण अलग कहता है, क्षत्रिय अलग कहता है, वैश्य अलग और शूद्र अलग, लेकिन ये सब एक ही जात के हैं। इसको चाहे तुम चमार कह दो कि भंगी कह दो, क्योंकि सबके अंदर वो मन पर भरा हुआ है, ब्रह्मचारी में भी, गृहस्थी में भी, वानप्रस्थी में भी और सन्यासी में। तो परमात्म तत्व को अन्य न समझो, परमात्म तत्व एक है सब में, जाति अलग अलग हमने मनाई है, लेकिन परमात्मा सत्य एक है। तो इसी प्रकार देखो, तो यहाँ दूध के बारे में विचार करा रहा हूँ कि सब अन्य प्रकार के, अनेक प्रकार के अन्न हैं, अन्य प्रकार के अन्नों को देखते हो, लेकिन सब में दूध तत्व है। किसी प्रकार पत्तों को देखोगे, अनेक प्रकार के पत्ते हैं, पर दूध सबके अंदर एक है। किसी प्रकार फल को देखोगे, फल अनेक हैं, अलग अलग प्रकार के फल, लेकिन सब में दूध तत्व एक है। सब में इसी प्रकार ये परिवार अलग अलग तुम देख रहे हो, परिवार अलग अलग है, लेकिन दूध जो है सब में एक है। लेकिन प्राप्त कहां से होता है, अब इस पर विचारेंगे। दूध सब में एक है, लेकिन दूध देने वाले पशु से ही प्राप्त होता है। सब में दूध है, कोई भी ऐसा फल नहीं जिसमें दूध, क्योंकि सबके खा खा कर जीने वाले पशु हैं, पक्षी भी हैं, और हर दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं, गाय अपने बच्चों को पिलाती है, बकरी अपने बच्चे को पिलाती है, शेरनी सिंहनी ऊंटनी सब पिलाते हैं, पर उनके शरीर के अंदर वो बनता है। तो ऐसे ही परमात्मा जो है वो सबके अंदर है, लेकिन प्राप्ति की बात आएगी तो फिर आपको अपने हृदय के अंदर ही अनुभव होगा। परमात्मा मंदिर में नहीं मिलेगा, परमात्मा तीर्थ में नहीं मिलेगा, परमात्मा किसी अन्य देश में नहीं मिलेगा, परमात्मा सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। तो परमात्मा को खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही उस चेतन का अनुभव करना है। साक्षी आत्मा, इसी प्रकार समझेंगे इस पुष्प के अंदर, आप देख रहे हैं हर पुष्प में एक रस है,
उसको हम कहते हैं महू। तो यह पुष्प के अंदर जो महू है यह कब मिलता है, इसके लिए यहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता है, फेना है, इस फेने के अंदर वह मधुमक्खी रस लेकर यहाँ से आती है और इसमें आकर रखती है महू फेना के अंदर, फिर जाकर उससे यह महू चुराया जाता है, उनको आग में जला देते हैं, मधुमक्खियों को आग लगा के उड़ा देते हैं इसके द्वारा, और इसमें से रस जो रहता है वो निकाल कर बाजार में बिक्री करते हैं। तो इसी तरह परमात्मा सबके हृदय मंदिर में है, लेकिन वह पता कब लगता है, जब कोई सद्गुरु मिलता है और उसमें देह से अलग करके और चेतन वस्तु आत्मा का बोध कराता है, तब वह अपने अंदर। ऐसे ही आकाशवाणी सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वत्र है, और तुम्हारे पास मोबाइल है तो अपने रिश्तेदार का विदेश में कहीं होगा, इंग्लैंड अमेरिका, वो मोबाइल से रिंग करेगा और तुम्हारे जेब में घंटी बजेगी, जबकि वो सारे विश्व में वह वायु फैलते फैलते और सबके मोबाइल से टकराते टकराते और तुम्हारे मोबाइल से जब टकराती है तो रिंग बन जाती है, वो विदेश इंग्लैंड अमेरिका का आदमी और तुम्हारे इस मोबाइल में बातचीत करता है। तो परमात्मा सब जगह है, लेकिन प्राप्ति जिनको करना है वो अपने हृदय मंदिर में ही कर सकता है, बाहर के मंदिरों में तीर्थों में उसे वह अनुभव में नहीं आ सकता है। अब इस प्रकार से आज हम कुछ परिभाषाएं नोट करें ताकि हमको अगले क्लास में काम आएगा। लिखो, आनंद, सब आनंद चाहते हैं, तो आनंद की परिभाषा लिखो, जो कभी दुख में ना बदले उसे आनंद कहते हैं, जो दुख में कभी ना बदले वह आनंद कहलाता है, सुख दुख में बदल जाता है, आज जो वस्तु सुख दे रही है पत्नी पति धन पुत्र, कल उसमें हमें निराग हो जाता है, कल वो दुख देने लगती है, उससे मन हमारा हट जाता है। तो आनंद किसे कहते हैं, जो कभी दुख में न बदले, और वो गहरी नींद में, नोट करो, गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में तीन अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति, जीव की तीन अवस्था है, जागृत जिसमें बैठे हो, स्वप्न जो सो के देखते हो, और इसके बाद भी जिसमें न जागृत है और न वहाँ स्वप्न है, गहरी नींद, वहाँ पर जो आनंद की अनुभूति होती है वो ब्रह्मात्मा की है, वो कोई अन्य वस्तु की नहीं, अन्य वस्तु तो सब जागृत में छूट जाती है, स्वप्न है। तो गहरी नींद में जो अनुभव होता है वो आनंद है, और वो रोज 12 ही महीने रोज उसका ही अनुभव देते, रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला, कुछ पता क्यों नहीं चला, क्योंकि वहां संसार नहीं था, संसार जागृत में है, संसार स्वप्न में है, पर गहरी निद्रा में आपको कि गुण विषय आगे समझेंगे, अभी तो थोड़े से में समझो कि गहरी निद्रा में जो आत्मा आनंद है। तो अब आगे लिखो, ज्ञान किसे कहते हैं, जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है, जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है, जीव ब्रह्म को अलग अलग जानना, मंदिर तीर्थ में चित्र मूर्ति में मानना, ये अज्ञान है, ये मूढ़ों का है, ये ज्ञानी लोगों का यह नहीं है, मूढ़ लोग परमात्मा को कोई पीतल की मूर्ति में, कोई लकड़ी की मूर्ति में, कोई कपड़े की मूर्ति में, कोई पीतल में, कोई धातु में मानते हैं, छोटे से अपना तो इतना बड़ा शरीर रखते हैं और भगवान का इतना छोटा सा आकार रखते हैं, उसी की पूजा करते और मान लेते हैं भगवान की पूजा की। अरे भगवान तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ और तुम्हारे द्वारा सब काम कर रहा है, सब हो रहे हैं बिना हाथ के, और वह सब दुनिया के हाथों में घुस कर बैठा हुआ है,
बिना पैर के दुनिया के सब पैरों में वही घुसा हुआ है। परमात्मा जो जगन्नाथ को दुनिया के कानों में बैठकर वही घुसा है जो जगन्नाथ है। दुनिया की आंखों में वही बैठा है जो जगन्नाथ है। तो दुनिया के मुख में वही बैठकर खा रहा जो जगन्नाथ के मुख से। तो इस तरह परमात्मा अखंड होने से सब प्राणियों के अंदर विद्यमान है परमात्मा। तो ज्ञान की परिभाषा जीव ब्रह्म एक जानना, ज्ञान है अलग अलग जानना, अज्ञान है। इसी तरह लिखो अभिष्ठा, अभिष्ठा अंधकार में पड़े रस्सी में जब सांप का भ्रम होता है तो उसे अधिष्ठान, रस्सी को अधिष्ठान कहते हैं। अंधकार में पड़ी रस्सी में जब सांप का भ्रम होता है तो उसे रस्सी को अधिष्ठान कहते हैं और भ्रम दिखने को अध्यस्त कहते हैं। भ्रम अध्यस्त है और रस्सी अधिष्ठान है। जब प्रकाश कर देंगे तो यह सर्व भ्रम निकल जाएगा। दो शब्द लिख लो अभी तो, अधिष्ठान और अध्यस्त। कौन है अधिष्ठान? परमात्मा। अध्यस्त कौन है? जगत। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये जगत ऐसे ही चला जाएगा जैसे सर्प से, रस्सी से सांप का भय निकल जाता है पर रस्सी दिख जाती है। जब गुरु से ज्ञान हो जाएगा तो ये जगत भ्रम निकल जाएगा और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य रहेगा। अधिष्ठान ब्रह्म है और जगत अध्यस्त है। अधिष्ठान की द्वारा अध्यस्त की निवृत्ति होती है। अब एक लिख लो कारण और एक कार्य। कारण और कार्य में कभी दूरी नहीं होती है। कारण कार्य सदा अभिन्न रहता है। जैसे मिट्टी कारण है और उससे बना हुआ माठिया, ईटा या कोई मूर्ति वो सब भ्रम मात्र है। माठिया से ईटा बन गया, वो माटी से ईटा बन गया, घड़ा बना लिया, सुराही बनाई, दीपक बना लिया, दुर्गा गणेश बना दिए, राम कृष्ण बना दिए। तो राम कृष्ण, दुर्गा गणेश और वो माठिया और वो ईटा सब एक जात के हैं। नाम आकार अलग अलग रख दिया। तो कारण और कार्य में भेद नहीं होता है। आकार अलग अलग बना दिए, इन सब एक मिट्टी मात्र है। चाहे वो घड़ा है कि दुर्गा है कि राम है कि कृष्ण है, सब मिट्टी मात्र है। तो कस्त्वम कस्त्वम, तो आप जड़ हैं, अब उत्तर दो, आप जड़ हैं, चेतन है, तुम दृश्य हो, दृष्टा हो, तुम अनात्मा हो, आत्मा हो, तुम शव हो, शिव हो, तुम पर प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश, परवशनी हो, पर प्रकाश, जो दूसरों से प्रकाशित होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसे पर प्रकाश कहते हैं। जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे पर प्रकाश। जैसे कोई दीपक जला दिया, कोई बल्ब जला दिया तो उसके प्रकाश से घर का सामान दिखता है। तो ये क्या है? सब सामान पर प्रकाश है। लेकिन स्वयं प्रकाश जो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है। परमात्मा सबको प्रकाशित करता है इसलिए परमात्मा स्वयं प्रकाश है और ये सारा जगत उसी से प्रकाशित होता है, इसलिए जगत को पर प्रकाश कहते हैं। जगत क्या है? पर प्रकाश। चंद्रमा क्या है? पर प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं, वो रिफ्लेक्शन है। तो पर प्रकाश जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है और स्वयं प्रकाश जो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता हुआ सबको प्रकाशित करता है। तो सूर्य में किसको हम कहेंगे? चंद्रमा में सूर्य को स्वयं प्रकाश कह देंगे और चंद्रमा को पर प्रकाश। लेकिन ये सूर्य भी पर प्रकाश है। हम सूर्य को बताते हैं ये सूर्य उदय हुआ, ये सूर्य अस्त हुआ, इसलिए यह
फल प्रकाश है। तो कस्तुम आत्मा, तो आपका कब जन्म हुआ? हमारा कभी जन्म नहीं हुआ। तो आपकी मृत्यु कब होगी? हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, क्योंकि हम कौन है? बोलो आत्मा, दृष्टा साक्षी आत्मा। हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, हमारी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। हम सदा सदा से है, सदा सदा रहेंगे, अविनाशी आत्मा। इस काया का होता है बिना जल्दी से सुनो, ध्यान से सुनना आज का विषय का सार। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, इस काया का विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, अपने को जान, तू जितने वाला ये शरीर अपने को मत मान। पंच भूतों का तन विस्तारा, इस संसार में कोई आप मिठाई बनाते हैं तो खोआ होता है, चीनी होती है, उसमें तब जाकर वो बनता है। ये शरीर पांच महाभूतों से बनता है। इस शरीर में आकाश है, इसमें वायु है, इसमें तेज है, इसमें जल है और इसमें पृथ्वी है। पांच महाभूतों के द्वारा ये तुम्हारा हमारा शरीर बना है। इसको वेद ने भी कहा और रामायण में भी कहा कि पंचभूतों का ये शरीर है। तुम पांच भूत से अलग हो, तुम शरीर से अलग हो। आगे पंचभूतों का तन विस्तार, शरीर नहीं है ये पंचभूत का शरीर, दृश्य है, तू तो देखने वाला है, दृश्य है। तेरा कण कण में रहता निवास है, तेरा कण कण में रहता निवास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, जब तेरा ही लीला विलास है।
रूप आकार में एक परमात्मा है, एक परमात्मा से कोई अलग नहीं। पशु पक्षी स्त्री पुरुष पिता माता लड़का लड़की सब एक परमात्मा का यह नजारा है। जग तेरा ही लीला विलास है, जिनको ऐसा ज्ञान मिल गया उनको सच्चा संत मिला है। तभी उन्होंने ये जाना कि ये मैं, उनके पहचान है उनकी, उनके गुरु की सच्चे संत होने की, जिन्होंने देह से अलग देह से मैं दृष्टा साक्षी। स्वामी होके बना क्यों दास रे, इसे तुम्हें मिटाना होगा। गुरु तो इशारा देता है कि ये देह दृष्ट है, तू दृष्टा, दृष्टा कभी दृष्ट नहीं बनेगा। जैसे कुत्ते को देखने वाला दृष्टा खुद कुत्ता नहीं, गाय को देखने वाला गाय का दृष्टा खुद गाय नहीं, इसी तरह देह को देखने वाला देह का दृष्टा तू खुद देह नहीं। भूल तेरी है, तुझे मिटाना है, तू आज अभी मिटा सकता है, और नहीं तो अनादि काल से अनंत 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 शरीर बदलते बदलते चला रहा है, अभी तक बदला नहीं, और चाहे तो भूल तेरी है, अभी मिटा सकता है। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा ले, पूर्ण ब्रह्म अपने को स्त्री अपने को पुरुष मानने से ये चौरासी का दुख भोग रहे हो,
अगर ये अपने को स्त्री और पुरुष न मानकर मैं दृष्टा साक्षी आत्माओं ये निश्चय हो गया तो तुम सदा सदा के लिए बिना तीर्थ गए, बिना मंदिर गए, बिना पूजा पाठ किए और कल्याण को पा सकते हो। मिटे जन्म मरण की त्रास है, हनुमान जी को राम जी ने कहा।
तुम और मुझ में कोई भेद नहीं, एक ही है। तीन दृष्टि से भगवान ने उत्तर दी, उसको उत्तर समझाया। अब कौशल्या जी गई हनुमान राम जी के पास में और कौशल्या जी ने पूछा, पहले लक्ष्मण गया कि भैया मेरा उद्धार कैसे होगा, अपनी पत्नी को छोड़कर लक्ष्मण राम जी के साथ गया, पत्नी बच्चों को छोड़कर रात दिन राम और सीता की कुटिया की परिक्रमा करता था दुष्टों से राक्षसों से बचाने के लिए लक्ष्मण, और वो लक्ष्मण अब वापिस आ गया अयोध्या रावण को मारकर और आ गया अयोध्या। तो लक्ष्मण ने कहा भैया मेरा कल्याण कैसे होगा, पर राम ने कहा कि जा किसी गुरु की शरण में जा, तब तेरे को जो उपदेश करेगा कि ये देह नहीं है तू तो दृष्टा आत्मा है, ये उपदेश करेगा तब तेरा कल्याण होगा। तो हनुमान जी को भी राम का असली राम का पता बताया कि वो अंदर बैठा है, लक्ष्मण को भी बताया कि वो तेरे अंदर बैठा है। अब कौशल्या माँ आई, उसने कहा भैया और बेटा मेरे कुंड में था जिससे तू मेरे गर्भ में बच्चा रूप में आया, अब मेरा जाने का समय हो गया, उम्र बीत गई है, इतने साल तू 14 साल जंगल में रहा, मैं यहाँ घर में पड़ी रही और अब मेरा जाने का समय हो गया, मेरा उद्धार का रास्ता बता। तब छोटे में बताना, ज्यादा लंबा मत बताना, मेरी बुद्धि इतनी मजबूत नहीं, कमजोर हो गई है। माँ ने बच्चे से पूछा मेरा बेटा उद्धार कैसे होगा, तब राम ने कहा ए माँ आज से तू सोहम सोहम कर मन में जाप कर और सब चिंताएं छोड़ दे, तब तेरा कल्याण होगा। तो आज का ये विषय बड़ा अद्भुत है, जिन जिन ने आज सुना है गुरुकुल के जन्म जन्म के पुण्य जगह हैं, जो ये गुप्त बात सारे शास्त्रों का गुण रहस्य तुम्हें एक दिन के एक घंटे के समझ में आया, इसलिए जितने भाई बहन बैठे हो सब आज से निश्चय करो कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये जड़ शरीर जन्मने मरने वाला शरीर में जन्म मेरा नहीं, बोलो जन्म मेरा नहीं है, मृत्यु मेरी नहीं है, जन्म मरण किसका है शरीर का, शरीर का, शरीर से अलग चेतन आत्मा हूँ, दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, जड़ है चेतन है, दृश्य है दृष्टा है, आत्मा है आत्मा, शव है शिव है, पर प्रकाश है भक्त है मुक्त है। तो जन्म मरण किसका, शरीर का, भूख प्यास प्राण को नोट कर लेना, भूख प्यास मेरा धर्म नहीं प्राण का, सुख दुख मन को, ये मन को सुख दुख होता है, न मैं कभी सुखी न मैं दुखी, और बंध मोक्ष जीव को, बंध मोक्ष किसको, जीव को, मैं तो साक्षी आत्मा हूँ। आप नहीं श्रेष्ठ चर्चा गुरु तत्व की कर्म करिए, कौन सा गुरु है, क्या लक्षण है, किस गुरु को धारण करना है जिससे हमारा उद्धार हो सकेगा, मेरे द्वारा जो भूल हो जाए उसे क्षमा करेंगे। ओम शांति।